माय हस्बैंड इज अ हिंदू बट आई डिड नॉट टेक अप हिंदुइज्म. मैंने मतलब जस्ट बिकॉज ही इज अ हिंदू मैंने हिंदुइज्म को नहीं अपनाया था जब तक कि मुझे लगा दैट ओके दिस इज व्हाट आई वांट. ये नहीं कि मैं प्यार में, मैंने भी तो प्यार से शादी की, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने हस्बैंड के लिए अगर मेरा रिलीजन, अगर मैं होती भी, अगर एक मुस्लिम होती तो मैं नहीं छोड़ती. अगर मैंने तब छोड़ा था व्हेन आई वाज नॉट मैरिड, दैट टाइम ओनली आई हैड लेफ्ट इस्लाम. सो नोबडी कैन टेल मी कि मैंने प्यार में आके हिंदुइज्म को अपनाया और इस्लाम को छोड़ा. नो, आई हैव वाज ऑलरेडी एन एक्स मुस्लिम लॉन्ग टाइम बैक. उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट मै विश 30 years इट टुक मी टू कम टू सनातन. It did not come immediately. बहुत कुछ है और भी देश में. Instead of सीमा आज उसको ग्लूकोज चढ़ा दिया है भाई, आज उसने ऐसे कर लिया है. मैं ये कहती हूँ, मैं भी जो बिग बॉस में जैसा कैमरा रखते हैं ना, वैसे इनके घरों में कैमरा रख दो, दिन रात देखते रहो वो क्या कर रहे हैं, काहे के लिए इतना एनर्जी वेस्ट करते हो. ये लोग इतना चीप हो गया है मीडिया, इतना ज्यादा स्पेशली द टीवी चैनल्स. जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट समथिंग ऑर द अदर कि 24 घंटा चलना है चैनल, तो बस सीमा को लेकर आ जाओ कि वो पाकिस्तान से आई है. कोई भाभी बना रहा है, कोई इसको वो कह रहा है कि वो ISIS की प्लांटेड है. कभी देखो अंजू, अब अंजू के ऊपर भी ये आ रहा है कि इन्होंने ऐसा किया. क्या किया था वो, जो राम मंदिर जो बना है वो पहले से ही हमारी जगह थी, वो पहले से ही एक मंदिर था. आपने उसके ऊपर, या फिर जो भी आए थे बाहर से उन्होंने उसके ऊपर अगर मस्जिद बनाया एंड वी टुक इट बैक, दैट वाज. तो ऐसे हजारों यहाँ पर अगर आप देखने जाओ तो मस्जिदें हैं, कोने कोने में मस्जिद बनाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता बिकॉज वी आर अ सेक्युलर कंट्री. आप नेपाल कब आ रही है, अगली लड़की आप लोग कौन सी भेज रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मतलब they are just stuck into such stuff कि उनके पास कुछ पर है ही नहीं बात करने को. और जहां तक बात है सीमा की, तो मुझे लगता है उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट की होगी ये चीज कि इंडिया पाकिस्तान सॉरी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है. और अब रिसेंटली भारत मंडपम में पीएम मोदी जी ने अनाउंस ये भी कर दिया है कि हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना के दिखाएंगे वो अपने तीसरे टेन्योर में. तो इन सारी चीजों को देखते हुए तो दुनिया का कोई भी मुल्क और किसी भी मुल्क की कोई भी सीमा अट्रैक्ट हो सकती है. सीमा तो अट्रैक्ट हो गई कि हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, हो सकता है आने वाले साल में उसको बॉलीवुड में पार्ट मिल जाए. बात की जाए कराची सिंध की जानब, तो वहां पे बहुत ज्यादा न्यूज को उठाया गया, बहुत ज्यादा न्यूज वायरल हुई. दूसरी जानब अगर अभी बात की जाए रिसेंटली, तो अहमदियो की मस्जिद पे अटैक हुआ. इस तरह के हर गुजरते दिन के साथ हमें अटैक्स कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं और माइनॉरिटीज के साथ ही ज्यादातर हो रहे होते हैं, माइनॉरिटीज को ही फेस करने पड़ते हैं. तो हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर हम इन दोनों चीजों को, दोनों कंट्रीज को कंपेयर करें, पाकिस्तान और इंडिया को, तो मुस्लिम्स को जब हमने ये वीडियो करके दिखाई तो उनका ये बयान था कि वहां पे भी तो मस्जिद के साथ हुआ था, अगर यहाँ मंदिर पे हो गया तो क्या बड़ी बात है. क्या राय रखना चाहेंगी आपके, किस तरह से माइनॉरिटीज को रखा जाता है दोनों ममालिक में? जी हाँ, अगर कोई ये कहता है कि यहाँ पर भी ऐसा हुआ था तो वो एक बार हुआ था और वो भी हमारे ही मंदिर और हमारे ही वो पवित्र जगह के ऊपर हुआ था. सो यू कैन नॉट कंपेयर व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया एंड व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान. आप तो मतलब बात बात के ऊपर आप लोगों को मंदिर तोड़ना या इनके ऊपर जुल्म करने का तो बहाना चाहिए होता है. अगर आप देखने जाओ, अगर अभी आप देखने जाओ तो भाई सीमा हैदर को हमने न्योता दिया था, उसको बोला था कि प्लीज कम इन आवर कंट्री, प्लीज आके इतना उथल पुथल करो. और मैं ये बात समझ में नहीं आता कि भाई आप धमकियां देते हो, आप जब देखो तो आप ये कहते हो, क्या हमने बुलाया था सीमा हैदर को यहाँ पर? और उसके आने से जो लोग को बंदी बनाया गया या फिर मूर्तियां जो मतलब मंदिर को तोड़ा गया या फिर दूसरों को, दूसरी लड़कियों को जो परेशान कर रहे हैं, हिंदूज को जो परेशान कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? आप अगर देखने जाओ तो आप खुद सोचो कि जस्ट बिकॉज शी केम ओवर हियर, बिकॉज शी फेल इन लव एंड शी डिड व्हाटएवर शी वांटेड टू. पहली बात तो उसकी तलाक हुई नहीं थी तो वो आ भी गई. ये सारी बातें आप लोग नहीं देख रहे हो कि व्हाट शी डिड, इंस्टेड आप ये देख रहे हो कि भाई वहां ये हिंदू के पास चली गई तो हम यहाँ पर हिंदू को परेशान करेंगे. तो इससे ज्यादा बुजदिली और क्या हो सकती है? आई मीन यू शुड हैव सम काइंड ऑफ यू नो सम, कहीं पर आप लोगों का जमीर नहीं वो होता है कि भाई वहां पर जो लड़की गई है वो हमारे मर्जी से नहीं आई है ना, वो आप लोगों की मर्जी से आई है. जिस तरीके से आई है आज सारी दुनिया जानती है. सो इसके लिए आप किसी हिंदू को परेशान करो एंड फॉरगेट अबाउट हर कमिंग. इससे पहले भी आप खुद ही देख लो महवीश के कितने परसेंट हिंदूज रह गए हैं एंड फॉर व्हाट, यू नो व्हाट हैज हैपेंड विद देम. सभी जानते हैं कि या तो उनको कन्वर्ट किया जाता है या फिर उनकी लड़कियों को उठा के लेकर जाते हैं, मतलब इतना सब कुछ हम जानते हैं. तो दिस इज नॉट द ओनली केस कि भाई सीमा आ गई तो आपने ये कर लिया. और दूसरी बात एक कि आप कहते हो कि इंडिया में इन्होंने ऐसा किया, क्या किया था वो, जो राम मंदिर जो बना है वो पहले से ही हमारी जगह थी,
वो पहले से ही एक मंदिर था, आपने उसके ऊपर या फिर जो भी आए थे बाहर से उन्होंने उसके ऊपर अगर मस्जिद बनाया एंड वी टुक इट बैक, दैट वॉज, तो ऐसे हजारों यहाँ पर अगर आप देखने जाओ तो मस्जिदें हैं, कोने कोने में मस्जिद बनाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता बिकॉज वी आर अ सेक्युलर कंट्री। और आपके यहाँ अगर देखने जाओ तो आप, मुझे लगता है मैविश इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मॉल बनाने के लिए दे हैव ब्रोकन वन, एक पूरे मंदिर को एक मॉल बनाने के लिए, रियली? और वहां के बेचारे हिंदूज करेंगे भी क्या, कितने तादाद में है कि वो करे भी क्या, कैसे अपने अपने मंदिरों को वो बचाएंगे? तो आप अगर देखो तो आप किसी भी तरह से यू कैन नॉट कंपेयर इंडिया का एनीथिंग विद पाकिस्तान, बिकॉज वॉट दे आर डूइंग, वॉट इज बींग डन बिकॉज ऑफ सीमा और बिकॉज ऑफ अ मॉल, दैट इज टोटली रॉन्ग, मेरे हिसाब से तो बहुत रॉन्ग है। जी पूजा जी, एक तरफ तो सीमा हैदर के जाने पे यहाँ के मौजूद मुसलमानों ने बवाल मचा रखा था कि हम हिंदू लड़कियों को परेशान करेंगे, हम उनके मंदिरों को गिरा देंगे, उनकी मूर्तियों को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम लड़की का कन्वर्जन करा दिया, उन्होंने जबरदस्ती ये कर दिया। दूसरी जानब अगर हम देखें तो हमारे सामने एक बहुत अपडेट ये आ रही है कि हमने जो है ना गिव एंड टेक का रिलेशन रखा हुआ है, वहां हिंदुस्तान से अंजू नामी लड़की पाकिस्तान पहुंची है और अंजू नामी लड़की ने एक लड़के के साथ आके या उसके लिए आई है और एक महीने का आई गेस उसका वीजा लगा है, इस तरह का कोई सीन है, इस पे क्या कहेंगी आप? क्या वहां पे भी इसी तरह लोग भड़के हैं? क्या वहां पे भी लोगों ने यही कहा है हम मुसलमानों के साथ ये कर देंगे, हम मस्जिदों के साथ ये कर देंगे क्योंकि अंजू चली गई? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखने जाओ तो जितना सीमा को यहाँ पर जिस तरीके से वायरल किया गया है, हमारी भाभी है, हमारे गांव में आई है, गांव के लोग उसको जिस तरीके से उसकी उसकी आवभगत कर रहे हैं, उसको जिस तरीके से, चलो ठीक है, देखो जब तक के एटीएस नहीं बताता है और जब तक के ये पूरा मामला सामने नहीं आता है दैट व्हाट शी इज एग्जैक्टली, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, वो हो सकती है जासूस, वो हो सकती है प्लांटेड, व्हाटएवर, बट वी हैव टू वेट के जब तक ये बात निकले नहीं। अब वो प्यार में आई है, अगर वो प्यार में आई है तो भाई तुम्हें तुम्हारी भी लड़की को रोकना चाहिए था, और वो भी चार चार बच्चे लेकर आई है, तलाक तक नहीं लिया उसने, पहली बात तो उसने तलाक तक नहीं लिया, तो वो जिस तरीके से वो अभी एक रडार में, मतलब एक एटीएस के नजर में आ गई है, अब वो, अब जिस तरीके से होगा वो, अब अंजू जो गई है वो एक कैथलिक है, ठीक है, वो वहां पर गई है, आई डोंट अंडरस्टैंड अगेन दैट हाउ कैन एनी बडी अलाउ, वहां पर निकाह कैसे किया गया जबकि व्हेन शी इज नॉट डिवोर्स्ड फ्रॉम हर फर्स्ट हस्बैंड, विच वॉज अ लीगल प्रोसीजर जो यहाँ पर होता है, वो कैसे मान गए? अगर वो उन्होंने निकाह करवाया है उसका, तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट शेमफुल थिंग टू डू बिकॉज शी इज ऑलरेडी मैरिड टू समबडी एल्स, यू नो, बोथ द केसेस अगर आप देखने जाओ, जो यहाँ पर आई भी है और जो वहां पर गई भी है, फर्स्ट टेक अ प्रॉपर डिवोर्स, गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पर्सन, और आपके इधर जो भी इद्दत का टाइम होता है, जो भी है, जितने भी दिन है, ये सब भूल गए आप लोग, जस्ट बिकॉज शी इज कम फ्रॉम इंडिया, आप लोग खुश हो गए कि चलो चलो मुसलमान बन गई, दैट्स द वे, मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। एंड जिस तरीके से उसको एक महीने का वीजा मिला है एंड शी इज गॉट मैरिड, और जिस तरीके से वो झूठ पे झूठ बोल रही है, इधर शी शुड कम आउट एंड से वॉट शी वॉन्ट्स दैट गाय, ओके ठीक है, गेट प्रॉपरली डिवोर्स फ्रॉम योर एंड देन गो एंड मैरी हिम, अगर आपको वो है तो, मतलब ये पूरा जो मीडिया ने इतना इसका वो मतलब उछाला है और इतना ज्यादा जो मेन मुद्दे हैं जो कंट्रीज के, वो छोड़कर अब यही चल रहा है अंजू सीमा। अब अंजू तो अभी ज्वाइन हुई है, सीमा तो पहले है, जो एक डेढ़ महीने से तो उसी का सब चल रहा है, तो आई थिंक दिस इज नॉट डन, आई मीन गिव एंड टेक, मतलब ये गिव एंड टेक हो गया ना कि भाई हमारी एक चली गई तो तुम्हारी भी एक आ गई, यही हो गया। जी पर प्रवीण जी, इस पर बहुत ज्यादा मीम्स भी सामने आ रहे हैं हमारे पास, पाकिस्तान की आवाम ने तो भर दिए हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के पेजेस मीम्स बना बना के कि हमने भारत से बदला ले लिया, हमने अगर सीमा गई थी तो हमने अंजू लेके बदला ले लिया। तो क्या इतने टेक्नोलॉजी के दौर में, इतनी तरक्की याफ्ता दुनिया होती जा रही है, इसमें बदले इस तरह लिए जाएंगे? इतना फनी नहीं लगता है, मतलब दिस इज नॉट कोई छोटे छोटे बच्चे हैं जो अरे हमने ये कर लिया, तुमने वो किया, तो हमारे, अब अगर अंजू नहीं आई होती तो आप चुपी दुपक के बैठे ही थे, अब अंजू चली गई, वो भी लीगली गई है, ओके वॉट एवर इट इज, जो भी वो मंशे से गई हो, जो भी उसके दिमाग में चल रहा हो, जो भी उसके उसको जो जो करना था वो, जिसके लिए भी गई हो, बट वो लीगल तरीके से गई। बट आपके इधर से तो ऐसी आई है कि जो अभी मतलब हम सारे अभी तक वही कर रहे हैं कि भाई ये किस इससे आई है, मतलब फॉर वॉट, पाकिस्तान में क्या उसको ऐसी कमी पड़ गई कि शी हैड टू कम ओवर हियर टू अ पर्सन हु इज नॉट इवन अर्निंग सो मच, यू नो, चार बच्चों को देखना, देखरेख करना, उनको संभालना, उनको पढ़ाना लिखाना, आई मीन इट्स बिकम अ जोक,
और जब तक के इसके बारे में पूरी तहकीकात नहीं हो और जब तक के बाहर नहीं आए या फिर उसको डिपोर्ट करना चाहें या जो भी हमारे गवर्नमेंट जो भी इसका फैसला लेगी, तब तक बस इसी में खुश रहो कि भाई अंजू आ गई, अब कौन सी मंजू और दूसरी कौन सी बाकी है, मधु मंजू क्या पता कौन सी आनी और जानी बाकी है। आई हैव नो दिस बिकॉज नाउ दिस इज बिकम अ ट्रेंड, ये पबजी खेलो ये खेलो या फिर फेसबुक पे मिल जाओ और फिर प्यार हो जाए फिर आप बस निकल पड़ो। आप नेपाल कब आ रही है, अगली लड़की आप लोग कौन सी भेज रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मतलब पर है ही नहीं बात करने को। और जहां तक बात है सीमा की, तो मुझे लगता है उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट की होगी ये चीज कि इंडिया पाकिस्तान सॉरी दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी है। और अब रिसेंटली भारत मंडपम में पीएम मोदी जी ने अनाउंस ये भी कर दिया है कि हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना के दिखाएंगे वो अपने तीसरे टेन्योर में। तो इन सारी चीजों को देखते हुए तो दुनिया का कोई भी मुल्क और किसी भी मुल्क की कोई भी सीमा अट्रैक्ट हो सकती है। सीमा तो अट्रैक्ट हो गई कि हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, हो सकता है आने वाले साल में उसको बॉलीवुड में पार्ट मिल जाए। अंजू क्या सोच के पाकिस्तान आ गई, क्या पाकिस्तान के हालात नहीं पता थे उसे? आई डोंट नो, मुझे लगता है प्यार अंधा होता है। आई मीन पहली बात तो ये है कि आप अगर जाओ भी तो पहली बात तो बहुत ही, अगर आप सही तरीके से भी गई हो तो सही तरीके से आप डिवोर्स ले लेती और आप चली जाती। एक दिन आप वीडियो निकालती हो कि भाई यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू कम बैक एंड दिस दैट आई हैव जस्ट गॉन फॉर यू नो मैं सिर्फ एक वेकेशन पे आई हूँ, भाई तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली वेकेशन जाने के लिए, और जबकि छुपाया गया। मेन थिंग इज नॉट टू गो एनीवेयर, छुपाने की बात, बट अब कहीं ना कहीं दिल में पहले से ही था यू नो काला था। ओके तो आप वहां पर गई, उसके बाद आप एक वीडियो भी जारी करती हो कि भाई मैं आ रही हूँ वापस, एंड देन सेकेंड डे भी सी हर यू नो वो वीडियोस बना के और वो प्यार भरे वो गीत गा के वो घूम रहे फिर रहे हैं। आई मीन आई एम शॉक्ड, रियली आई एम शॉक्ड, मतलब करो करो लेकिन मतलब आई डोंट नो वॉट यू हैव गॉन फॉर के आपकी दिली ख्वाहिश थी कि भाई मैं ऐसे लड़के का हाथ पकड़ के और ऐसे घूमू और फिर मैं ऐसे वीडियोज मेरे वायरल हो गए, मतलब आई डोंट नो मैं भी दिस इज लाइक यू नो। और मैं एक और बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि आपकी तो मुल्क की मतलब मैं एक बात कहूँ तो पाकिस्तान अब कह रहा है कि भाई हम लोगों को यहाँ पर कहते हैं कि आके इन्वेस्ट करो, हम आपको यहाँ पर सिटीजनशिप देते हैं। दिस इज द बिगेस्ट जोक आई हैव हर्ड इन माई एंटायर लाइफ कि कौन आएगा पाकिस्तान और क्या करेंगे आकर और कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, और सेकेंडली आपके इधर किसको चाहिए सिटीजनशिप। आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि जो हो रहा है ना, आई मीन इट्स बिजार। आप खुद ही देखो, आपको भी पता चलेगा। जी मैम, नाउ यू आर 60 प्लस और आज से बरसों पहले आपने भी अपना धर्म बदला था, तो क्या रिलीजन एक रिलीजन वैसे चेंज हुआ था जैसे आपने किया था, और एक रिलीजन अब हमारे न्यू जनरेशन के रेफरेंस से चेंज हो रहे हैं और वो आपके सामने है? कभी सीमा ने सचिन के लिए बदल लिया, तो कभी इधर से अंजू आ गई और उसने फलाने के लिए बदल लिया, तो क्या इस तरह डोंट यू थिंक सो कि रिलीजन्स की ही तौहीन हो रही है जिस तरह से सीमा ने वहां जाके उनकी की और अंजू ने यहाँ के की? क्या हम दुनिया को क्या इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं रिलीजियस चीजों को, और किस तरह से फिर तो एटेस्ट हो जाए सब, फायदा ही नहीं है इस सबका। जी हाँ, मैं महवेश यहाँ बताना चाहती हूँ, मैं अपने भी चैनल पर हजार बार बता चुकी हूँ कि मैंने कोई एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में मैंने जंप नहीं किया था। मैंने अगर इस्लाम छोड़ा था तो आई लिटरली मैंने बहुत साल अपने जिंदगी के वैसे गुजारे थे कि बट आई वांटेड टू फाइंड आउट व्हाट आई वांटेड इन लाइफ। ऐसा नहीं कि भाई इसके प्यार में मैं, माय हस्बैंड इज अ हिंदू बट आई डिड नॉट टेक अप हिंदुइज्म, मैंने मतलब जस्ट बिकॉज ही इज अ हिंदू मैंने हिंदुइज्म को नहीं अपनाया था, जब तक कि मुझे लगा दैट ओके दिस इज व्हाट आई वांट। ये नहीं कि मैं प्यार में, मैंने भी तो प्यार से शादी की, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने हस्बैंड के लिए अगर मेरा रिलीजन अगर मैं होती भी अगर एक मुस्लिम तो मैं नहीं छोड़ती। अगर मैंने तब छोड़ा था व्हेन आई वाज नॉट मैरिड, दैट टाइम ओनली आई हैड लेफ्ट इस्लाम, सो नोबडी कैन टेल मी कि मैंने प्यार में आके हिंदुइज्म को अपनाया और इस्लाम को छोड़ा। नो, आई हैव वाज ऑलरेडी एन एक्स मुस्लिम लॉन्ग टाइम बैक। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट मै विश 30 years इट टुक मी टू कम टू सनातन, इट डिड नॉट कम इमीडिएटली, मतलब मैंने लॉन्ग जर्नी, it's a long journey. Today I'm 63 and I can say I took my time, but when I took my time I literally saw what I wanted. aisa nahi ki bhai mere husband kyunki hindu hai to mujhe bahut pyar ho gaya to main apna religion change kar lu. religion is not a thing to be changed until unless you literally feel from inside that ha
ये चीज मुझे चाहिए. यू डू इट फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर एनीबडी एल्स. रिलीजन इज वेरी पर्सनल, बहुत प्राइवेट और पर्सनल चीज होती है. योर रिलेशनशिप विथ योर क्रिएटर, इट कैन नॉट बी, यू नो, इट कैन नॉट बी गिवन अप फॉर समबडी, और या फिर किसी के बोलने पर तुम उसको अपना लो या उसको उसको छोड़ दो. दैट इज अ वेरी स्टूपिड रीजन लोग, आई थिंक दीज टू गर्ल्स हैव डन. या इसके बाद आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान में होने वाली कॉन्ट्रोवर्सीज, दोनों साइड से न्यूज चैनल्स, मीडिया चैनल्स, मेन स्ट्रीम और बाकी हमारे सोशल मीडिया की बढ़ती हुई चिटचैट और ट्विटर पे एक दूसरे को की जाने वाली ट्वीट्स को किस नजर से देख रही है, क्या मोड़ लेंगी है दोनों कंट्रीज के दरमियान, ये सब क्या रोल प्ले कर रहे हैं, कहाँ कश्मीर से जंग शुरू हुई थी, कहाँ 75 साल पार्टीशन हुई थी, और अब ये लिटरली दुनिया हंस रही है, अब कह रही है बस कर दो यार, क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान लगा रखी है, अब ये सीमा सचिन रह गया करने को. सही बात है. एंड मैं यही कहती हूँ, ट्विटर और इंस्टाग्राम एवरीवेयर, यू नो, सबसे मेन तो मैं सोचती हूँ, चलो दीज आर योर पर्सनल स्पेसेस, यू नो, ट्विटर आपका पर्सनल है, मेरा पर्सनल है, किसी और का पर्सनल है, देयर यू टॉक. बट व्हेन यू कम ऑन नेशनल टीवीज, यू नो, ऑन स्पेशली ऑन नेशनल टीवीज, जहां पर 24 घंटे बस यही दिखाया जा रहा है कि भाई अंजू चली गई, वो वहां पर उसने क्या किया, आज वो दावत खाने गई, आज वो उसने ये किया, आज उसने ये रील बनाई, इसने ओ माय वही मैं खुद ही चीख चीख कर कह रही हूँ कि भाई कुछ और मुद्दे की बात कर लो भाई, बहुत कुछ है और भी देश में, इंस्टेड ऑफ सीमा आज उसको ग्लूकोज चढ़ा दिया है भाई, आज उसने ऐसे कर लिया है. मैं ये कहती हूँ, मैं भी जो बिग बॉस में जैसा कैमरा रखते हैं ना, वैसे इनके घरों में कैमरा रख दो, दिन रात देखते रहो वो क्या कर रहे हैं, काहे के लिए इतना एनर्जी वेस्ट करते हो. ये लोग इतना चीप हो गया है मीडिया, इतना ज्यादा, स्पेशली द टीवी चैनल्स, जस्ट बिकॉज दे वांट समथिंग और द अदर, कि 24 घंटा चलना है चैनल, तो बस सीमा को लेकर आ जाओ कि वो पाकिस्तान से आई है, कोई भाभी बना रहा है, कोई इसको वो कह रहा है कि वो ISIS की प्लांटेड है, कभी देखो अंजू, अब अंजू के ऊपर भी ये आ रहा है कि शायद, यू नो, कुछ झोल है जो वहां गए. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, इट्स लाइक क्रेजी सर्कस, बिलीव मी, ये सर्कस हो रहा है और कुछ नहीं. एंड इतना लेवल गिर चुका है दैट आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. बस अभी यही रह गया है कि सीमा हैदर और ये जो लड़का है उसका क्या मतलब, उसका नाम भी मैं भूल गई हूँ, और दूसरी ये नसरुल्ला एंड अंजू की प्रेम कहानी, वीर सारा, गदर, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बिलीव मी, मुझे तो इतनी हंसी आ रही ना इस बातों पर. जी लिटरली मैं खुद हर चीज हर जगह न्यूज पे नजर रखनी होती है कि यार क्या कवर करना चाहिए, क्या प्रोडक्टिव है, इतने टाइम से आई कुडंट फाइंड एनीथिंग प्रोडक्टिव, और जो चीज ट्रेंड पे है, जो लोग देखना चाह रहे हैं, जो मीडिया दिखाना चाह रहे हैं, और जिस चीज को रेटिंग मिल रही है, दैट इज ओनली वन, और वो है इनकी फ्लॉप लव स्टोरी, जो कि मुझे नहीं पता कि लव स्टोरी है भी एक्चुअल में या नहीं, क्या उसके पीछे कहानी है. बहरहाल मुझे लगता है कि अब हम बाकी मुद्दों से निकल के, और हमने दुनिया को एक मौका दे दिया यार, पहले हम एक दूसरे पे हंसते थे, अब तुम सब मिलके हम पे हंसो, अब तुम सब मिलके हम पे हंसो, वी आर जस्ट परफॉर्मिंग अ स्टेज शो, तो आओ लेट्स लाफ टुगेदर. या मुझे ऐसा लगता है कि देखो पहली बात तो इतनी ज्यादा जो दुश्मनी है बिटवीन टू कंट्रीज, बहुत ज्यादा दुश्मनी आप देख रही हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो समवेयर, मुझे क्यों अंदर से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है दैट, यू नो, विथ ऑल द एविडेंस जो सीमा के ऊपर हो रहा है, हो सकता है दैट शी मस्ट हैव कम फॉर सम मोटिव विच वी कैन नॉट से नाउ. मुझे ऐसा लगता है इससे हटकर, ये मुझे लगता, ये गवर्नमेंट का काम है, ये हमारे जो ATS है उसका काम है, लेट्स नॉट गेट इन्वॉल्व इन सो मेनी थिंग्स, आई मीन इन होल डे इन दिस. मुझे ऐसा लगता है कि आज का एक यूथ क्या देख रहा है, वॉट इज ही वॉचिंग, वॉट क्या प्रोडक्टिव देख रहा है, क्या वो समझ रहा है, वॉट इज हैपनिंग इन आर कंट्री, क्या यही रह गए हैं मुद्दे. एंड इफ यू आर गोइंग टू, इसी के ऊपर अगर आप इतना ज्यादा मतलब इतना उछाल रहे हो इस बात को, और इतना ज्यादा अंजू के ऊपर, और ये मंजू नहीं सॉरी अंजू एंड सीमा के ऊपर इतनी बातें आप कर रहे हो, तो आई